नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। इस पार्सल को मैंने मंगवाया है आगरा कॉमिक्स स्टोर से। मेरा पहला पार्सल है जो कि आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आया है। लेटेस्ट जो कॉमिक्स मैंने मंगवाई हैं वो सारी एक साथ इस पार्सल में आई हैं, और कुछ नॉवल्टी आइटम्स भी मैंने आगरा कॉमिक्स स्टोर से मंगवाए थे। अक्षय भाई ने उनको भी मेरे पास इस पार्सल के साथ ही भेजा है। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ अनबॉक्स इस पार्सल को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपरी लेयर को हटाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से ये पहला पार्सल है। इससे पहले मैंने अन्य काफ़ी सेलर से कॉमिक्स मंगवाई हैं, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपको बताता भी रहता हूँ, पर आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आने वाला ये पहला ऑर्डर है जो कि मेरे पास आज मुझे प्राप्त हुआ है, और काफ़ी अच्छी फास्ट डिलीवरी रही है। जैसे ही उनके पास कॉमिक्स पहुंची, उन्होंने तुरंत ही मुझे उसी दिन डिस्पैच कर दी और 2 दिन के अंदर ही मुझे पार्सल मिल गया। तो डिलीवरी काफ़ी अच्छी रही है और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। आप देख सकते हैं अंदर, ऊपर के पॉली रैप को हटाने के बाद अंदर जो है एक गत्ते वाली पैकिंग है, उसको भी मैं जल्दी से हटा देता हूँ ताकि फौरन मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर में प्राप्त हुई हैं। पार्सल को खोलने में जितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मान के चलिए कि आपके ऑर्डर्ड आइटम्स उतने ही अच्छी कंडीशन में आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंटैक्ट रहता है सारा का सारा जो मटेरियल होता है पार्सल के अंदर वाला, अगर अच्छी तरह से पैक किया गया हो। अगर लूज़ पैकेजिंग होगी और पूरे तरह से अच्छे तरीके से वो पैक नहीं होगा तो चीज़ों के डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। जैसा कि फर्स्ट क्राई की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं और राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो काफ़ी हल्की पैकेजिंग में मिलते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उनको पैकेजिंग सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल बस एक बबल रैप में लपेट करके वो उस पार्सल को भेज देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ओवरऑल अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है इस पार्सल का अनबॉक्सिंग। बबल रैप को मैं हटा देता हूँ, बबल रैप की भी कुछ लेयर्स हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, अंदर के आइटम्स सुरक्षित रहने चाहिए। एक और पॉली रैप, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दोस्तों इस पार्सल को खोलने के लिए, लेकिन जितना इंतज़ार इस पार्सल के लिए मैंने किया था, इन कॉमिक्स को आने के लिए मैंने किया था, वो अब धीरे धीरे सब्र का बांध टूटता हुआ, और मैं जल्दी से जल्दी खोल कर देखना चाहता हूँ कि क्या क्या मुझे मिला है। जैसे जैसे अंदर की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, मैं ज़्यादा ख़राब तरीके से पैकेजिंग भी नहीं हटा सकता कि कहीं कोई आइटम कट ना जाए। ये तीसरी लेयर है बबल रैप की जो कि मैं हटा रहा हूँ। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। इसको मैं जल्दी से हटाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी मशक्कत के बाद मैंने आखिरकार अपने पार्सल को अनबॉक्स कर लिया है और आप सभी के सामने सारे आइटम्स एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मुझे मिला है। सब कुछ एक बड़े से पॉली रैप में है, सब कुछ बाहर निकाल लेता हूँ। एक ज़िपर पाउच में है, इसको मैं अलग हटा देता हूँ। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे कुछ की रिंग्स मैंने ऑर्डर किए हैं, जो कि अलग से नॉवल्टी आइटम्स के तौर पर किसी कॉमिक फेयर में आए थे, पर
सेलर्स के पास ये की रिंग्स नहीं थे, अक्षय भाई का मैसेज आया और उन्होंने बताया कि ये की रिंग्स उनके पास अभी अवेलेबल हैं, तो मैंने भी फ़ौरन ऑर्डर कर दिए। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं, MDF बोर्ड के की रिंग्स हैं। साइज़ आप देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर एक स्टैंडर्ड की रिंग के साइज़ का ही है, लेकिन आर्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक आप देख सकते हैं। कुल मिला करके ये 8 की रिंग हैं, इनमें से एक नागराज का की रिंग, कोई 8ों की रिंग नागराज के थे पर एक कोई शायद मुझे लगता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, तो उन्होंने उसकी जगह ये सुपर कमांडो ध्रुव का हाथ से हिंडोला वाला की रिंग मुझे दिया है। कुल मिलाकर के 8 की रिंग है दोस्तों, और सभी का प्राइस 100 रुपीज़ है, मतलब 100 रुपीज़ ईच, हर की रिंग का प्राइस 100 रुपये है। और ये है आज की प्राप्ति जो कि मुझे मिला है, हलाहल पर्व हार्ड बाउंड एडिशन, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। पेपर बैग सभी के पास पहुंच गया पर हार्ड बाउंड लोगों के पास नहीं पहुंच पाया था, मेरे पास अब आया है। इसके साथ में एक ये ऑल इन वन वाली एक पुस्तक अक्षय भाई ने फ्री भेजी है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। साथ में सर्पकाल, इसका भी बहुत समय से मुझे इंतज़ार था पर ये इस ऑर्डर के साथ में ही चूंकि आना था तो इस वजह से ये भी प्रतीक्षित ही था, अब ये मुझे मिला है। इसका अलग से मैं एक रिव्यू बना करके आपको वीडियो पोस्ट करूंगा, सर्पकाल की पूरी सीरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आगरा कॉमिक्स स्टोर के कुछ कार्ड्स हैं और अंत में है नरक नाशक नागराज का अतिरिक्त अंक, वो भी हार्ड बाउंड में, जो कि बहुत समय से इंतज़ार था सभी को इसके हार्ड बाउंड एडिशन का। तो ये है दोस्तों आज जो जो सामान मुझे मिला है, ये अतिरिक्त अंक के साथ में आने वाले नॉवल्टी आइटम्स का पैकेट है, और ये है हलाहल पर्व के हार्ड बाउंड एडिशन के साथ में आने वाले नॉवल्टीज़ का पैकेट। इन सबको एक एक करके रिव्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा हलाहल पर्व का एक सेपरेट रिव्यू, नरक नाशक नागराज का एक सेपरेट रिव्यू और सर्पकाल और पूरी सर्प सत्र सीरीज़ का एक सेपरेट रिव्यू। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये 3 वीडियो बहुत ही जल्दी आपके चैनल पर आने वाले हैं, और आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और नए वीडियोज़ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचें। मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, और रिव्यू करूँगा हलाहल पर्व के बारे में, रिव्यू दूंगा आपको हलाल पर्व का, देखते हैं कैसी बन पड़ी है हलाहल पर्व और नागराज अतिरिक्त अंक राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता की तरफ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।